हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही बेसिक से सामान से बनने वाली एक मिठाई, क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन पानी अगर आप खाली पीते हैं ना तो बहुत ही कम आप पी पाते हैं, उसके साथ अगर थोड़ा बहुत मीठा हो जाए ना तो पानी आप जहाँ पे आपको एक ग्लास पीना होगा वहाँ आप दो ग्लास आराम से पी जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक से घर के सामान से गर्मियों के लिए बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बना के तैयार की है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है एक कटोरी सूजी को रोस्ट करने के लिए रखा हुआ है। फिर मैंने दोबारा पैन में ना लगभग आधा लीटर के करीब दूध जो है उसे बॉयल करने के लिए रखा है। तो सूजी को मैंने धीमी गैस पे रखा था। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग एक चम्मच या दो चम्मच के करीब देसी घी। तो सूजी को अच्छे से चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे। दूसरे साइड दूध में जो है मैंने डाल दी है चीनी, मीठे के लिए थोड़े से इसमें डाल दिए हैं केसर के धागे ताकि कलर बहुत ही अच्छा आए, और केसर के धागों का ना टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। केसर दूध ना आप लोग जिन लोगों ने पिया होगा ना उन्हें पता होगा, तो ऑप्शनल है, अगर केसर हो तो डालिएगा, नहीं हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। देन उसके बाद जब दूध में अच्छे से बॉयल आ जाएगा ना तब आपको इसमें डाल देने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ध्यान रखिएगा जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप मिक्सी में अच्छे से एकदम पाउडर फॉर्म में कर लीजिएगा, क्योंकि जो मिठाई है ना वो हमारी बहुत ही अच्छी, उसमें ना जो आप खड़े खड़े से डालोगे ना वो थोड़े से कम अच्छे लगेंगे। अगर आप पाउडर फॉर्म में डालोगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। जो लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, जिनको नहीं पसंद आते हैं, उनको भी पता नहीं चलेगा। बस गैस पे दूध को हमें अच्छे से चलाते रहना है ड्राई फ्रूट्स के साथ ताकि ये अच्छे से गाढ़ा होने लगे और नीचे से लगे भी नहीं, क्योंकि दूध को आप चलाते रहेंगे ना तो नीचे से जलने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आपने छोड़ दिया ना तो ये बहुत ही जल्दी दूध नीचे से जलने लगता है। और हाँ, ये रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी है, गर्मियों के लिए तो एकदम बेस्ट है। आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आपके घर में तो मतलब ज़्यादा सामान नहीं है तो आप इसे बना के खिला सकते हैं। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा जो है मिल्क पाउडर, ये दो चम्मच के करीब मैंने सिर्फ डाला है। और बस मिल्क पाउडर को बहुत ही अच्छे से आपको दूध के साथ मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़ने पाए। मिल्क पाउडर डालने का एक ही रीज़न है, क्योंकि हमने इसमें खोया का जो यूज़ है ना, यानी जिसको मावा बोलते हैं, उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। बिना मावे के हमने ये बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बना के तैयार की है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर टाइम पे हमारे घर में मावा हर चीज़ अवेलेबल हो। तो जो भी चीज़ें घर में होती हैं हम उन्हीं से कुछ ना कुछ बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, और ये रेसिपी बस उन्हीं लोगों के लिए है कि अगर घर में जो भी चीज़ें और आपका मीठा खाने का मन हो तो आप उससे इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने जो है मिल्क पाउडर डालने के बाद मैंने कॉन्टीन्यूअस इसे चलाते हुए इसके जितने भी लम्स थे वो हटा दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नारियल। तो ये डेसिकेटेड कोकोनट है, ये इजली मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ दो चम्मच के करीब डाला है। क्वांटिटी आप जितनी भी चीज़ें हैं उनकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और बस इसे बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पे पकाते रहना है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर। तो फूड कलर सिर्फ इसलिए मैंने डाला है कि थोड़ा सा ये दिखने में कैमरे में थोड़ा सा ब्राइट दिखे, थोड़ा सा अच्छा दिखे। बाकी कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, और अगर आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि जो चीज़ जो खाना दिखने में सुंदर लगता है वो खाने में अपने आप अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने सूजी को भी एकदम सुनहरा सुनहरा सा भून लिया है, और बस इसको आपको जलाना नहीं है, बस धीमी धीमी गैस पे इसे चलाते रहना है, और बस इसी तरीके से आपको सुनहरा भून लेना है। उसके बाद मिल्क पाउडर, दूध और ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर हमने बना के रखा था उसे हमें इसमें सूजी में मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम को आपको ऑन करके धीमा कर लेना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है, धीमी रखना है। और बस सूजी को और ये वाले मिक्सचर को ना आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और तब तक हमें इसे पकाना है जब तक कि सूजी हमारा अच्छे से फूल ना जाए और नीचे से जो कढ़ाई का तला है ना वो ना छोड़ने लगे, तब तक आपको इसे पकाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को धीमा रखा है, मैं बराबर से इसे चलाती जा रही हूँ। बहुत ये चलाने का जो स्टेप है ना ये बहुत ज़रूरी है,
वरना सूजी भी आपको पता है कि वो बहुत जल्दी नीचे लगने लगता है। तो गैस की फ्लेम धीमी है, मैंने इसे ढक दिया है सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद सूजी भी अच्छे से मिक्स हो गई थी और ये देखिए ये पूरा नीचे से जो है तलावी छोड़ने लगी थी। बस उसके बाद आपको क्या करना है, इसे चला देना है और बस हल्का सा ठंडा करके इसकी आपको मिठाई जो है बना लेना है। तो ये बस उतना ही ठंडा रहना चाहिए जितना आप छू सकें, बहुत ज़्यादा आपको इसे ठंडा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके जो है गोल गोल शेप, जैसे प्योरे के शेप होते ना, बस वैसा बना रही हूँ। आप अपनी मनपसंद के शेप में इस मिठाई को बना सकते हैं। ऊपर से मैंने जो है इसे कोट कर दिया है नारियल के बुरादे के साथ। आप अपनी मनपसंद की गार्निश भी कर सकते हैं। और बस इसी तरीके से ना मैं सारी मिठाई को बना के तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बताइएगा ये तरीका आपको कैसा लगा, कि जब भी आपको मीठा खाना हो तो आप इन 2-3 चीज़ों से अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं और सबको खिला भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और हाँ बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट में भी ज़रूर बताया करिए। अच्छी लगे तो भी आप बताया करिए, नहीं अच्छी लगे तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कैसी लगती हैं जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ आप इन्हें फ्रिज में रख के 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही आराम से 15 दिन चलेंगे। तो चलिए बाय बाय टेक केयर।